Hello friends, a very warm welcome. Welcome to all of you. And then, as you had seen previously also, that the series is bringing quality answers and a process how you can achieve major milestones. And these milestones are linked with the fact that how you are going to pursue a greater understanding of the answers. तो कोई मोमेंट्स को बिना वेस्ट करते हुए If you want to understand, go through our first answer series and then you will understand this one. But then definitely you are welcome to understand this also. Background में बहुत सारा वर्क चलता है. For example, ये आंसर पेपर 3 आवर 40 मिनट्स में लिखा गया. But we had already discussed that how we can cut down upon the time, what are the changes to be made. Here we are going to see from the answer perspective कि इसमें आखिर और क्या हो सकता था. So how will you explain the Government of India Act 1935 was seminal in giving the shape to Indian Constitution? Now this question is not demanding what 1935 Act was. The question is not demanding 1935 Act में क्या है. Question is not asking 1935 Act से Constitution कैसे बना. वो पूछ रहा है कि seminal कैसे है वो shape देने में Indian Constitution का. तो shape देने में इसलिए है क्योंकि जो fundamentals which were reflected by 1935 Act, they all fundamentals are giving lifeline to the Indian Constitution. अब fundamentals क्या है और उस फंडामेंटल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेप कैसे हो रहा है ये आपको बताना है. तो स्केलेटन बताया, स्केलेटन फॉर डेलिबरेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है. चलो इट वाज सेमिनल, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है. ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, फेडरलिज्म प्रिंसिपल विद इलेक्टेड लीडर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरलिज्म इन सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल लिस्ट, प्रोविंशियल यूनियन लिस्ट एस्टैब्लिशिंग, तो एक तरीका है ये. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, एसपीएससी, इमरजेंसी पावर्स व्हेन रिक्वायर्ड इन क्रूशियल एंड हाउ गवर्नमेंट 1935 इनएक्टेड टू enacted to strong arm governor of British Raj. Majority of the provisions were useless due to governor veto on law, order, land, police, external means frontier areas and so on. Adult franchise was limited with communal electoral even centralized powers so much more. So constitution makers adopted basic skeleton but added provisions based on ठीक है. आंसर ने कोशिश की सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, गवर्नर टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस, लेकिन आंसर फिर भी थोड़ा क्लटर्ड हो गया. बात ये हो रही थी कि सेमिनल रोल 1935 का क्या है, ये नहीं हो रहा कि 1935 एक्ट से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश मतलब रूल को इंडिया में फायदा क्या हो रहा है. सो आई बिलीव वी शुड हैव जो अभी ऊपर वाला पार्ट था कि इट गेव ऑप्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डेलिबरेट, वहां से धागे को और आगे लेके आना. वहां से बात करनी चाहिए थी कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज बनी, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री के, न्यूली इमर्जिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के, उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कैसे किया गया, कैसे इतने सारे डाइवर्जेंट व्यूज होने के बावजूद, पैराडॉक्सिकल व्यू होने के बावजूद, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, फेमिनिज्म, बैकवर्ड, ट्राइबल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के लिए इतने अम्ब्रेला, ये सबके बावजूद भी कैसे हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एबल टू क्रिएट दैट सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच. तो उन सबके धागे को जो आपने खुद कहा कि स्केलेटन, द स्केलेटन वॉज प्रोवाइडेड बाई 1935 एक्ट. तो अगर स्केलेटन ह्यूमन बींग का है तो यानी कि कैसे उसमें फ्लैश, ब्लड, आर्टरीज, हार्ट, ब्रेन कैसे है, तो वो आंसर में गड़बड़ हो गया. फुल पॉइंटेड हम इस आंसर को ऐसे नहीं बोलेंगे. दैट इज वॉट वी कैन से, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी इट. Another question, we are talking about the strengthening the National Commission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes through various complementary mechanisms can go in a long way towards mainstreaming the welfare of the tribes explained. So, National Commission of Scheduled Tribes, what is its constitutional position? What is the role of the government in making it more responsible, responsive, powerful? And at the same time, how are other mechanisms? That means what is the role of police, what is the role of state government, what is the role of non-governmental institutions, what is the role of tribal people themselves. तो वो हो सकता है. अब हम देखते हैं कि यहाँ ऐसा है कि नहीं है. NCST Act, Article 378, constitutional body है, सेफ गार्ड है, कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म, नालसा, वेरी गुड, नालसा एंड डालसा. उसके बाद आपने बात की कि लीगल एड टू द वल्नरेबल, एनएल यूज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वॉट यू आर सेइंग दैट स्टाफ एंड स्टेनोग्राफर, ठीक है, ओके. ट्राइबल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अंडर एमटीए, ओके. जैम एंड ई गवर्नेंस प्ले इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द केसेस हाईलाइट एंड कीप ट्रैक ऑन द
डैशबोर्ड, आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, वेरी गुड आंसर. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनसीएसटी नीड मोर टीथ रिगार्डिंग सिविल कोड एंड देन नेचुरल जस्टिस करिकुलम, डेडिकेटेड कार्डर ऑफ इन्फोर्सिंग इन्फोर्सिंग ऑफिशियल्स, डेटा बेस रिव्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एसटी अंडर सेंसस एंड कास्ट सर्वे, मैंडेटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑफिशियल फॉर नॉन एक्शनेबल स्टैंड. इसमें बस आंसर में एक चीज नहीं है कि मेन स्ट्रीम जो सो कॉल्ड सोसाइटी है या जो बाकी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गया, ये सब भी कैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर यू नो नेशनल, दे आर ऑल्सो फॉर ट्राइबल पीपल. इट्स नॉट दैट इट इज एक्सक्लूसिव, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट एक्सक्लूसिव, बट इट इज डेडिकेटेड ऑल्सो टू द ट्राइबल वुमेन. तो दैट एलिमेंट इज मिसिंग, आई थिंक वो एलिमेंट इसमें मिसिंग है, सो लिटिल बिट मोर ब्रॉडनेस इज रिक्वायर्ड. तो आई थिंक अगेन मैं कहूंगा लेवल को रेज करने के एंगल से आंसर्स में थोड़ा और रिदम और थोड़ा और जूसी एलिमेंट होना चाहिए. इन वट वेज डज द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट द आइडियाज एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, आई रिपीट, इन वट वेज डज द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट द आइडियाज एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू वट एक्सटेंट दीज एस्पिरेशंस हैव बीन रियलाइज्ड? तो वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, कैसे आप स्टैंड लेंगे, कैसे आप सोचते हो, क्या आपका आउटलुक है, वो इस आंसर में आपके मार्क्स डिसाइड करेगा. तो प्रीएम्बल्स रिफ्लेक्ट करता है आइडियाज एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले आपको बताना है कैसे वो एक लिविंग एस्पेक्ट की तरह है और वो एस्पिरेशन रियलाइज हो रहे हैं और उसका अंत नहीं है. मतलब बेसिकली एस्पिरेशंस आर लेयर्ड प्रोसेस. तो प्रीएम्बल इज लाइक ए टॉर्च लाइट, ठीक है, आइडियल एंड एस्पिरेशन easier for citizen to know about the ideas in a short manner. So there is nothing short, like the way you love your mother, your parents, and you say कि you know आज तो short में love mama ने किया या short में love papa ने किया, तो short नहीं होता वो. It is about, it is not about long or short. It is about the essence. It is about the depth. It is about the intention. It is about the culture. It is about your conditioning. It is about your aspiration. It is about your loyalty. It is about your ethics. पॉलिटिकल साइंस सोशियो जस्टिस हेल्प्स एससी, एससी मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, टू इंटरप्रेट द फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीएसपी इन एन इंक्लूसिव मैनर, एंड व्हाट वी कैन से दैट इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल लीडर्स एंड द एग्जीक्यूटिव इज ओपन टू डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन व्हाट आई शुड से ट्रेडिशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग साइड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड सो ऑन. फ्रेटरनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल कोहिजन इन सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो द होल पॉइंट इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग मोर देन बुकिश आइडिया इन अ स्ट्रीमलाइन मैनर. आगे चलिए, इकोनॉमिक जस्टिस अंडर डीएसपी, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा सारे एलिमेंट आए लेकिन थोड़े कम एलिमेंट आते, लेकिन वो थोड़े से यू नो अप्लाइड स्ट्रक्चर को थोड़ा ज्यादा बोलते. आप कैसे हैं, तो ऐसे है कि प्रियम्बल में जो बात कही गई है उसको उसका जो आपने शॉर्ट लिखा है, बात आपने ठीक बोली, जो प्रियम्बल में जो हमने बात कही है वो गीता के सार की तरह है, वो असल में वेदों का उपनिषद है. वो तो वेदों में अगर सारी बात की गई है तो उपनिषद में उसकी मतलब यू नो बेसिकली दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ सूत्र है वो. तो सूत्र को हमने आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सोल के एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ भी आप लिख सकते हो. तो इतना सारा हमें सारा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरल स्टडीज है. तो इसमें अगर आपको सारे बताने भी हैं तो अप्लाइड बताने पड़ेंगे. आप ज्यादा मैकेनिकल बताएंगे तो आंसर का जो टोन और जो आंसर का जो डेप्थ है ना वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मैकेनिकल हो जाती है. दस प्रियम्बल आइडियाज इन एवरीडे मिरर ऑफ सोसाइटी, ये आपने लास्ट में लिखा, ये पहले क्यों नहीं आया, ये पहले आना चाहिए था. तो वही बात है कि ये मिरर ही नहीं है, वो कन्वेक्स लेंस भी है, कॉन्केव लेंस भी है, सब है वो एक तरीके से. तो ठीक है, इट्स अ गुड एफर्ट, आई विल मूव फॉरवर्ड. हाउ विल यू एक्सप्लेन इंडियन फेडरलिज्म इज हैप्पी मिक्स ऑफ यूनिटेरियनिज्म एंड कॉन्फेडरलिज्म? तो पहले आपको यूनिटेरियनिज्म यानी यूनिटरी यानी कि हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, इम्पैक्ट ऑन मैक्सिमम पीपल, एंड कॉन्फेडरलिज्म यानी टेकिंग डिफरेंट ग्रुप्स अलॉन्ग एंड ट्राई टू डिवाइड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस एंड सो ऑन. तो इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री विथ फेडरल इन करेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. ठीक बात है, फेडरलिज्म, यूनिटेरियनिज्म, कॉन्फेडरेशनिज्म, ये वर्ड लिखने की जगह आप इनका थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेनेशन लेके आते कि इंडिया में कल्चरल रीजन्स भी हैं, इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल रीजन्स भी हैं,
और इंडिया के अंदर इतनी लिंग्विस्टिक और इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी है कि सिंगल थॉट प्रोसेस भी सारे इंडिया में फ्लो करता है और डाइवर्स थॉट प्रोसेस भी अलग अलग जगह फ्लो करता है, अलग अलग जगह मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन वो इक्विटी और इक्वालिटी दोनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेवल गवर्नर एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेम टाइम गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेजिडेंट। ठीक है, राज्यसभा, ये अच्छा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर टू लोकसभा प्रोटेक्टिंग स्टेट्स इंटरेस्ट इन द अपर हाउस। चलिए आगे चलिए, राज्यसभा कैन मेक बिड अंडर द आर्टिकल 299 ऑन स्टेटली टू। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल बताइए कैसे ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनी, कैसे बोडो काउंसिल बनी, लद्दाख के लिए अलग क्यों है, जम्मू कश्मीर का 370 क्यों हटाया। उसके बाद आप देखिए कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के लिए, नागालैंड के लिए, या फिर इवन म्यूनसिपल जो एलिमेंट्स हैं, जब जहां पर सरकार की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत जगह रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स के अंदर यू नो इट इज पेइंग 90%, एमजी नरेगा भी है, तो एजुकेशन इज स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन सेंटर का भी रोल है। तो आपको ऐसे सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट उठाने, जीएसटी है तो उनको फिर आप उसके साथ बताइए। इवन हाई कोर्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सब अभी अभी अलग है, लेकिन फिर भी फेडरल स्ट्रक्चर हमारा हर तरीके से हर चीज से जुड़ा हुआ है। हेल्थ भी अगर हम बात करें वो भी आ जाता है, तो स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपने बताया बाद में जीएसटी काउंसिल बताया, फेमिन कमीशन बताया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने बताया, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इन इनमें नहीं घुसना है। जो दो वर्ड बोले हैं, यूनिटेरियनिज्म और कॉन्फेडरलिज्म, बस उसी के दायरे में बात करो, उसी के अंदर बात लेके आओ, तो आपका आंसर फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो आपने बताया रीजनल पोलिटिकल पार्टी, फिर आपने बताया फाइनेंस कमीशन, डिवोल्यूशन, ठीक है आंसर अभी स्ट्रक्चर हो रहा है, पर मैं नहीं कहूंगा कि पूरा आंसर हमारा स्ट्रक्चर हो गया। लीवरेजिंग रियल टाइम डेटा इन पॉलिसी मेकिंग हैज बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर अचीविंग गुड गवर्नेंस एनालाइज द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन इन्हेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंट इन पॉलिसी। तो ई गवर्नेंस, आप कहिए ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ई गवर्नेंस इंटीग्रल हुआ उसका कारण है, इन लास्ट 1 or 2 decades द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज मूव टूवर्ड्स मोर एक्टिव वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द चेंज सर्कमस्टांसेस। सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन, ये सारी बात आपने बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छा टूल है, रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, वेरी गुड, आई थिंक गुड स्टार्ट। कॉमन सिटीजन सेंटर बता दिया, सारा ई डिस्ट्रिक्ट, अगर ई गवर्नमेंट हो गया सारा काम ही खत्म हो गया, सब बढ़िया हो गया, फाइल हो गई, आस्क क्वेश्चन, बहुत अच्छा लिखा, लॉ, लैंड एक्विजिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, सबका सबका डैशबोर्ड आ गया। फिर उसके बाद आपने बताया जैम ट्रिनिटी, फिर आप डैशबोर्ड देखो, आप खुद ही आपने लिख दिया जन सूचना बिल राजस्थान, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आपने केरला का सोशल ऑडिटिंग बता दिया, फिर आपने जो, तो ये बताने के बाद आप बताइए कैसे फंडामेंटल चेंज आया, कैसे मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी साइकिल, कैसे इट हैज हेल्प अस टू नज अर्बन प्लानिंग, कैसे MMRTS आ रहा है, कैसे हम प्लान करके आगे बढ़ ही रहे हैं, कैसे हमारा हाईवे, हमारे हाईवे के नेटवर्क हमारा प्रूव हुआ कि भाई रोड बनेगी तो लॉजिस्टिक्स बढ़िया होगा, लॉजिस्टिक होगा तो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है तो एम्प्लॉयमेंट है, और वो गांव के थ्रू जाएगा। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हल्का सा लाइट होना है, आई थिंक वी विल बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन सेटिस्फैक्टरी एड्रेसिंग द इंटरकनेक्टेड चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। आप बताइए माइक्रो फाइनेंस, आप बताइए कि भाई पूरी तरह से सक्सेसफुल भी नहीं है, पूरी तरह से रेगुलेटेड भी नहीं है, पूरी तरह से नॉन रेगुलेटेड भी नहीं, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉरपोरेशन या नॉन, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। टेक्नोलॉजी चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, ईज ऑफ एक्सेस, स्मॉल वर्कलोड चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है, लेकिन उस पर विजन भी चाहिए, विजन के बिना नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स, माइक्रो फाइनेंस इनेबलर है, बफर है, लेकिन कल्चरल, लिंग्विस्टिक और इसमें भी पैट्रियार्कल और बाकी चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस भी इम्पैक्ट करती है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आपने बताया, तो माइक्रो फाइनेंस जो है मुद्रा लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपने बताया, लेकिन उसका स्किल चाहिए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एमएसएमई क्रेडिट फॉर इनफॉर्मल सेक्टर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट द चैलेंज वही एडिक्वेट एजुकेशन स्किल, तो पहले ही बताइए, साथ में यहाँ भी बता सकते हैं, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, और उसके बाद जो है लखपति दीदी अंडर मुद्रा लोन्स, ठीक बात है। तो सारी बात का यही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बन भी जाए तो उसको सस्टेन कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म, उसके लिए बहुत मतलब मेहनत चाहिए, बहुत तो उसके हिसाब से होता है, नहीं तो वो हमें आंसर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स अ गुड अप्रोच, गुड आइडिया, लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला बहुत जरूरी है।
व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लिमिटेड सक्सेस ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। लिमिटेड सक्सेस बोल रहा है, हाउ कैन कोऑपरेटिव बी मेड मोर इफेक्टिव इन फॉस्टरिंग रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इज ए गांधियन विजन फॉर ग्रास रूट लेवल सत्याग्रह एंड ट्रस्टीशिप कल्चर। ठीक बात है, गांधियन है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी है। कोऑपरेटिव मूवमेंट में आपने कॉन्स्टिट्यूशन बैंकिंग बताया, मिल्क कोऑपरेटिव बताया, नेशनल कोऑपरेटिव बताया, ठीक है। लिमिटेड सक्सेस इज ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इन कोऑपरेटिव्स। ठीक बात है, जैसे आपने लॉबी बताई, करप्शन बताया आपने। शिक्षा का भी रोल है, पीपल्स मूवमेंट का भी रोल है, पॉलिटिकल कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल उसका भी रोल है, वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, तो लेस इंसेंटिव्स। ठीक बात है, मेंबर टेक। तो आपने जो कोऑपरेटिव एक्ट आया उसको जो ढंग से अगर हम उसको अप्लाई करें अमेंडमेंट के बाद, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश करें। कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्जांपल है कोरम, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंक बैलेंस। और उसके बाद आपने जैसे जैसे हमने बीसीसीआई की बात की, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वैसे कोऑपरेटिव्स के अंदर भी रिफॉर्म्स और सुधार की जरूरत है। कोऑपरेटिव्स को डीलिंक करना पड़ेगा, वो सिंडिकेट बन के नहीं रह सकता रीजनल पोलिटिकल पार्टीज या फिर लीडर्स का, तो तब ये हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ये शिक्षा से पब्लिक सिविल सोसाइटी के रोल से, वो भी हाँ आई थिंक ऑन ट्रैक आंसर है, लेकिन थोड़े से एक दो एलिमेंट जैसे मैंने बोला और आ सकते थे। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन आर वाइटल टू इंश्योर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इंश्योरिंग देयर सक्सेस इन रीचिंग द लास्ट मेल। बात तो सही है बिल्कुल। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम अकाउंटेबिलिटी है, टॉप टू बॉटम पार्टिसिपेशन है, इट्स अ सीमलेस चेन। उसमें ई गवर्नेंस भी आएगा, उसके अंदर लोकल पीआरआई का रोल भी आएगा, म्युनिसिपल बॉडीज का रोल भी आएगा, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल भी आएगा। तो लास्ट माइल ठीक है, चलिए टेकिंग एग्जांपल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, अच्छा बोला। एवरी ग्राम सभा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ साथ पंचायत, पंचायत के साथ साथ आम नाग आम गांव वाला, सबको लेके चलिए ना आप। ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, अकाउंटेबिलिटी लेके आइए, करप्शन को रिड्यूस कीजिए। अगर फीमेल फीमेल मेंबर अगर सरपंच है तो उसकी वैल्यू अलग है। ऑनलाइन डैशबोर्ड, उसके बाद जनसभा, ठीक है, उसके बाद जनसंपर्क, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला, चलिए आगे चलिए, आपने ठीक बोला। वेयर इज टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ समग्र शिक्षा अभियान, तो ठीक है, इनरोड 100% लिटरेसी, मिड डे मील, टीचर अटेंडेंस, सोशल वेलफेयर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, लेस पॉलिटिकल अपीलिंग, सिटीजन पार्टिसिपेशन, कोचिंग क्लास, प्राइवेट स्कूल, एजुकेशन डिमांड इज इंक्रीजिंग, पीएम श्री, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाए तो आई थिंक इट विल बी वेरी वंडरफुल, बिकॉज द फैक्ट इज दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक एग्जाम्पल लेके आप उसको कोशिश कीजिए, पर आई थिंक लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ थिंग्स आर विजिबल, सो नथिंग रॉन्ग विद इट। रियलाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल एशियन सेंचुरी इज प्रमाइज्ड ऑन द स्टेबल इंडो चाइना रिलेशन, बात ठीक है बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेटिव एडवर्सरी टू थाओ इन डिप्लोमेसी, स्टिल फॉलोइंग द नीड टू गेट डिस्कस्ड इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, अक्साई चीन, डिजिटल ब्लॉकेट, चाइनीज इंक्रोचमेंट, बात तो ठीक है, होप कैसे हो सकती है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, चलिए आगे। साउथ साउथ डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, उसके बाद पोटेंशियल इज ह्यूज बिकॉज इंडिया चाइना इतना पॉपुलेशन है, आसियान का जापान इंडिया चाइना विद मेजर एक्सिस, इफ कोलेबोरेट ऑन साइबर टेक्नोलॉजी कल्चरल डिप्लोमेसी देन आसियान, ठीक बात है। उससे पहले आप कहिए कि चाइना की जो हेजिमोनी है, चाइना का जो डिप्लोमेटिक, चाइना का जो डेमोक्रेटिक आउटलुक है वो इंडियन आउटलुक से क्लैश करता है, जो उसके पीपल्स, चाइना के पीपल्स की जो एस्पिरेशन है वो इंडियन पीपल के एस्पिरेशन से क्लैश करते हैं, तो उनको जो जैसे उनकी पावर उनको डील कर रही है, हमारी पावर हमारे लोगों के एस्पिरेशन को शोकेस कर रही है। सो चाइना मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बच डाउन एंड वी विल नॉट गिव अप इन एनी सेंस आवर आवर यू नो आवर राइट्स और आवर यू नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाटएवर यू वांट। तो वो एक बस बात है, बाकी अच्छा लिखा है। आसियान सर्व्स ट्विन पर्पस ऑफ डेवलपिंग इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड ऑगमेंटिंग कंट्रीज रीच इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। नॉर्थ ईस्ट आसियान ब्लू ईस्ट, अब तो एक्ट ईस्ट हो गया, चलिए ठीक बात है। रोल ऑफ आसियान, आसियान एफ टी ए करेगा बिल्कुल, पाम ऑयल कनेक्टिविटी,
कालादान मल्टी मॉडल ट्राइलेटरल हाईवे थाईलैंड आसियान, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ बिम्स्टेक आसियान कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अच्छा लिखा है ये। एक्सपर्टीज इन आसियान कंट्रीज चाइना प्लस वन, ठीक है। और मोरेगांव आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एफ एम म्यांमार। उसके बाद आपने बताया वर्क वीजा, वर्क वीजा में उसके बाद जो है आपने जो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट जनता, ठीक है। फिलीपींस मेडिकल वीजा, दैट्स व्हाट आई विल रीड। स्टेबिलिटी ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट हो गया, स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन आफ्टर बांग्लादेश कू 2024। तो कू नहीं, हम बांग्लादेश कू बोलेंगे या चेंज ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे, दैट इज स्टिल टू बी डिबेटेड, बट देन स्टेबिलिटी की बात है। चाइनीज इंक्रोचमेंट इन इंडियाज नेबरहुड, बोल्ड बोल्ड लाइन्स है, आई थिंक दैट्स वॉट टू बी अप्रिशिएटेड एट टाइम्स। हैज टू हैज द प्रेजेंट कंडीशन इंडिया इज डेवलपिंग ट्रांसशिपमेंट हब इन अंडमान निकोबार टू कनेक्ट आसियान, रोल ऑफ चट्टगांव, आई थिंक वंडरफुल रिटन, वेरी ब्रॉड आंसर। पीस प्रोसेस ऑफ मैनो, आई थिंक लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर, सो इट्स ओके, इट्स अ गुड अप्रोच। लास्ट में आपने गंगा वाला एग्जाम्पल भी दे दिया। द टेनेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लाइफ ब्रेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, स्टैंड परपेचुअली अंडरमाइंड बाई एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट इन टू जुडिशियल डोमेन। अब बात यह कि इसको डिस्कस करना है कि कैसे एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट है जुडिशियल डोमेन में। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो मतलब जो है सरकार बोलती है हम तो दोबारा से कानून ले आएंगे या फिर उस पर कुछ करेंगे ही नहीं। तो या और बहुत सारे ऐसे जहाँ पे सरकार को मतलब बोलना पड़ता है, कोर्ट को बोलना पड़ता है, चाहे फिर वो कलकत्ता का केस प्रेजेंट हो, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो अंडरमाइंड बाय द इंक्रोच एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट इन जुडिशियल डोमेन, ये बड़ा ही सटल और बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बिकॉज जुडिशियल डोमेन में डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव कैसे इंक्रोच करेगा वो सोचने वाली बात है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कोर्ट, और वो इंटरप्रेटर भी है। तो आर्टिकल डीपीएसपी सेपरेट कर दिया, ठीक बात है। एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट जैसे एग्जीक्यूटिव डोमिनेशन इन ट्रिब्यूनल एनजीटी एनसीएलएटी, ठीक है। लेजिस्लेटिंग ऑफ एनजेएसी, वो तो ठीक बात है, लेकिन उसको तो हमने वही मैंने बोला, जैसे आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात होती है कि आप कर लो। पावर ऑफ डीएमडीसी समटाइम्स क्लैशेस विद डिस्ट्रिक्ट जज, यू हैव टू सी इनटू डिटेल, इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट जुडिशियल डोमेन में ऐसे ही है, जुडिशरी जो कह रही है एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे आप कहिए कि मतलब उस तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे आपने आपने जी आपने जीसीएनएल टीडी का एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का। जस्ट जुडिशियल इंक्रोचिंग इन टू एग्जीक्यूटिव डोमेन तो क्वेश्चन नहीं मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑन बैनिंग जल्लीकट्टू, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म, स्पीकर डोमेन विद इन लेजिस्लेचर, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट एज वेल एज नॉन इंटरफेरेंस बाई एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विल बी सिक्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ नॉट लेजिस्लाइजिंग नॉट लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज इन 2024 एंड अलाउइंग डेलिब्रेशन फर्स्ट इन सोसाइटी देन इन लेजिस्लेचर। सिमिलरली अडेरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन बाई बोथ, नॉन डिस्कसिंग ऑफ जज कंडक्ट इन पार्लियामेंट, नॉन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन 19 एक्ट, दस बोथ नीड्स टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ द क्वेश्चन। इफ यू गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन, वो तो बात एक चीज की कर रहा है, तो हमें उसी पे चलना है। क्वेश्चन इज सेइंग कि परपेचुअली अंडरमाइंड बाई द एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट, परपेचुअली यानी कि उसका नेचर ही है। कैसे एग्जीक्यूटिव इंक्रोच कर रहा है जुडिशियल डोमेन में, जुडिशियल का डोमेन तो वही है अपहोल्ड द लॉ। तो उस एंगल से आंसर को पूरा करना था, तो हमने दोनों एंगल लिए, तो हाउ फार वी विल सी, इट इज अ काइंड ऑफ अ यू नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। हाईलाइट द शॉर्टकमिंग्स इन द आरपीए, ऑल्सो रिकमेंड करेक्टिव मेजर्स। तो आरपीए बता दिया, एलेबोरेट प्रोसीजर है, रूल आफ्टर इलेक्शन एंड काउंटिंग, आरपीए एक्ट 1950 बताया, रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, डिलिमिटेशन, सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट, रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर 51, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक वेरी ब्यूटीफुली रिटन बोथ द चार्ट। शॉर्टकमिंग डज नॉट गिव पावर, ठीक बात है। इलेक्शन कमीशन डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर मैन पावर ड्यूरिंग इलेक्शन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट कोडिफाइड, ठीक बात है, विच बिकम वेरी डिफिकल्ट। इलेक्शन कमीशन कैन ओनली रिकमेंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर एंड एससी एंड नॉट टेक एक्शन इटसेल्फ। हेट स्पीच, डीप फेक, एआई, ठीक बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ओके, टू मेक द मेजर्स मोर इफेक्टिव देन वी कैन से दैट लिली थॉमस केस 2013, इंक्लूजन ऑफ डिबारमेंट ऑफ एमपीज इफ कन्विक्टेड, रिव्यू ऑफ आरपी एक्ट टू इंक्लूड न्यू चैलेंज, मीडिया एथिक्स,
डेफिनेशन ऑफ कल्प्रिट हेट स्पीच टू विल मेक इट मोर जस्ट। एडीआर रिकमेंड्स क्रिएटिंग ऑफ ट्राइब्यूनल टू इंक्लूड एससी जज, ईसी, ठीक बात है। आरपी एक्ट, बेसिक सिटीजन चार्टर नीडेड फॉर अवेयरनेस ऑफ ऑफिशियल ड्यूरिंग इलेक्शन प्रैक्टिस। सो आई थिंक वेरी गुड, वेरी वेल पॉइंट्स रिटन, सो दे आर ऑन ट्रैक एंड इट रिफ्लेक्ट्स द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्जामिन द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ऐसे आंसर्स में हमें इनोवेटिव होना है क्योंकि बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आपने बताया स्टेटूटरी बॉडी है, सेफ गार्डिंग ऑफ वुमेन LGBTQ इंडिया, ठीक बात है। रोल सुओ मोटो, डायरेक्शन न्यू डायरेक्शन, कैलकाटा पुलिस केस की बात, कैलकाटा पुलिस केस अभी बात हुई। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, प्रेजेंस ऑफ कंसर्न पर्सन, रिव्यू एंड हाईलाइट एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, ठीक बात है। कोऑर्डिनेट विद नालसा एंड डालसा, सेंसिटाइजिंग अथॉरिटीज, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंट रिपोर्ट टू प्रेजिडेंट, आई थिंक वेरी गुड फ्लो एंड गुड आइडियाज। रिकमेंड वुमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशन लाइक एंटी डॉरी, पॉक्सो, हाउएवर इट ऑल्सो फेस चैलेंजेस। इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, देयर बाई हैविंग लेस पावर्स देन एन एनसीएससी एंड एनसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अथॉरिटी डिज नॉट हैविंग अथॉरिटी फॉर नॉट डूइंग ड्यूटी लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिम पिनलाइज नहीं कर सकते। स्टाफ कैपेसिटी भी है, स्टाफ बिल्डिंग भी है, सेंसिटाइजेशन है। एमओयू विद एनएलयू, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट। एनसीएससी, एनसीएमएल, लोकल डायलेक्ट्स बट स्टिल लीडिंग द वे। सेंसिटाइजिंग मेन, आई थिंक दिस अ गुड पॉइंट। हाईलाइटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू रेसल, भारतीय न्याय संहिता। एलजीबीटीक्यू वेलफेयर, जेंडर न्यूट्रल, ठीक बात है। जेंडर न्यूट्रल वर्क, अफर्मेशन एक्शन, ठीक बात है। एनसीडब्ल्यू इज बोथ द जेंडर, आई थिंक ऑन ट्रैक, वंडरफुल रिटर्न। थोड़ा इनोवेटिव हल्का सा हम अगर कुछ और बताएं, कोई लोकल केस स्टडी, कोई लोकल सक्सेस, कोई सी स्टेट का कुछ, तो आई थिंक थोड़ा बस फायदा हो सकता है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस हैव गिवन लिमिटेड डिविडेंड्स ऑन द ग्राउंड। इन्यूमरेटिंग द रीजन फॉर द सेम सजेस्ट मेजर्स टू एमोलिरेट द सिचुएशन। अर्बन लोकल बॉडीज, 74th अमेंडमेंट, डायरेक्शन, ठीक बात है। अर्बन लोकल बॉडी फीचर्स, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल बोर्ड, मेयर, वार्ड, ईच स्टेट हैविंग यूनिक सिस्टम, स्टेट फाइनेंस कमीशन, 3 टीयर अर्बन गवर्नेंस सिस्टम, आई थिंक बता दिया। लिमिटेड डिविडेंड क्यों आया? एंटरप्राइज बाय स्टेट एग्जीक्यूटिव इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। मेयर नॉट ड्यूली, आपको कहना चाहिए मेयर नॉट यू नो इलेक्टेड इन एन रिप्रेजेंटेटिव मैनर। एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हुई, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। उसके बाद लिमिटेड कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑफिशियल स्टाफ, प्रेजेंस ऑफ कौन सी बॉडीज है, ये पैरास्टेटल तो पैरास्टेटल बॉडी, स्मार्ट सिटी, ओके, बात तो ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज है, और बात ये भी है कि जो प्लानिंग है ना वो फेल हो जाती है जब आपका माइग्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट आपका वैसा वो नहीं है, और आपका जो है प्लानिंग, मतलब पूरी प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, तो ग्रोथ हो रही है, अनप्लान्ड ग्रोथ हो गया। अब हर बार इन्होंने हाउडिंग कोलैप्स का एग्जांपल दिया, और उसके बाद इलीगल रिक्लेमेशन ऑफ लेक्स, सब जगह ऐसा हो रहा है ना। तो मतलब बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी है, और सब लोग अपना अपना काम ठीक से करें उसकी बात भी है, जनता की सेंसिटाइजेशन की बात भी। इन्होंने बताया चले मणिशंकर अय्यर कमेटी, बिल्कुल सही बात है, अच्छा एग्जाम्पल दिया। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर, फेडरेशन इवन एट लोकल बॉडी लेवल, सेकेंड एआरसी फोकस ऑन फाइनेंसिस, आई थिंक गुड आंसर्स, मतलब गुड फोकस, कीपिंग द माइंड कि इतना ब्रॉड है। अल्टरनेटिव फाइनेंस होना चाहिए, बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, इंदौर का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद लैंड और ये सब की बात हुई, यूपी गवर्नमेंट हैड बीन इम्प्लीमेंटिंग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। विद दीज स्टेप्स अर्बन गवर्नेंस प्लानिंग विद अर्बन लोकल बॉडी लेट गवर्नेंस एंड नॉट टॉप डाउन मैकेनिज्म, आई थिंक फेयर एफर्ट हम कह सकते हैं। द रोल ऑफ द सिविल सर्विस इज नॉट लिमिटेड टू मेयर वेल, बट इट एक्सटेंड टू द रेलम ऑफ अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एलोबरेट, बहुत अच्छा, आइडियलिस्टिक, पैशनेट आंसर हो सकता है। स्टील फ्रेम है, पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अथॉरिटी एंड स्टेबिलिटी, रूल फॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव वेलफेयरिज्म, बट इन द मॉडर्न सेंस सरदार वल्लभ भाई विलियन बियॉन्ड वेलफेयरिज्म, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक बींग कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेटर रेदर दैन स्टेटस क्वो, बिल्कुल सही बात है। ईज बाई विच आर्टिकल वॉज रिमूव इन 2019 टू ड्यू टू पॉलिटिकल बैकिंग विद अननेम्ड एनॉनिमस सिविल सर्वेंट ऑन ग्राउंड, ठीक बात है।
मीटिंग प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी खादी पंचायती, बहुत अच्छा लिखा। रोल ऑफ केवीआईसी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, इंटर स्टेट काउंसिल को स्ट्रेंथन करना है, जीएसटी काउंसिल, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बाद जस्टिस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाया सिंप्लीफाइंग, ठीक बात है। उसके बाद एडहेरिंग टू सिविल कोड, सिविल सर्विस कंडक्ट 1964, मीटिंग न्यू एज टेक्नोलॉजी एथिक्स, अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल सर्वेंट मस्ट बी डेमोस्ट्रेट डेमोक्रेटिक इन थिंकिंग एंड नॉट वेबेरियन, ठीक बात है। एडेड टू द विजन मिशन, डेलीबरेटिव सिविल सर्विस नीड एट द लोकल लेवल, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा फॉर मीटिंग सिक्स शेड्यूल ए डिमांड, टेक्नोक्रेटिक सर्विस अलॉन्ग विद एनोनिमिटी शुड बी इनकल्केटेड, आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, गुड एफर्ट्स एंड ट्राइंग टू ब्रिंग जस्टिस टू द आंसर। द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट क्रिएट ए यूनिक सिम्बायोसिस इन इम्प्रूविंग द गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द कंट्री। तो आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों का आपको रोल का इंटरेक्शन पता होना चाहिए। अब सिविल सोसाइटी में तो बहुत कुछ आ जाता है, एनजीओ एंड ग्रास रूट जैसे लिखा है, मेंबर्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर इश्यूज, एक्टिविज्म आ गया, फंड एंड मैन पावर मोबिलाइजेशन आ गया, एंड गवर्नमेंट जहां नहीं पहुंच सकती वहां पर ऑब्वियसली, अगर या फिर पैशनेटली आप लोकल इश्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, आई थिंक गुड वर्ड्स। सिम्बायोसिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे दिखेगी, कोविड-19 का एग्जाम्पल है, सीएसओ ने कैसे हेल्प किया गवर्नमेंट को, उसके बाद और बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या, इन्फोर्सिंग लॉकडाउन, मेकिंग पीपल अवेयर, अच्छा एग्जाम्पल है, एजुटेशन, मोबिलाइजेशन, आप किसानों का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें, सेव सोयल है, सेव रिवर कैंपेन है, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को पुश भी करते हैं, एक्ट की बात भी हो गई, ईपीए 1986 पॉसिबल तभी हुआ था, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल दे फॉर्म द ग्रास रूट, स्वच्छ भारत अभियान, रोल ऑफ मेलिंडा गेट फाउंडेशन, यानी कि पॉलिटी का ट्रेंड क्या होगा, जनता का ट्रेंड क्या, जनता कैसे इंस्पायर करेगी, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज अगर लोकल स्टेट या सेंट्रल लेवल पे तो उनको चैलेंज कैसे किया जाएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेटिक डिबेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा मित्रा, एनडीआरएफ, एसडीएमए, और केरला लैंडस्लाइड की ट्रेजेडी की भी आपने बात की, तो आई थिंक ये भी अच्छा लिखा है, सेंसिटिव है, कंपैशनेट आंसर है, इसमें एफसीआरए की बात भी लास्ट में आपने कर दी, ठीक बात है। चलिए, इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ डिजिटल इंटरवेंशन इन ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो मूक्स है, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन फीस ले रहे हैं, या फिर आप अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स कर रहे हैं, बायोमेट्रिक हो रहा है, आप पढ़ा कैसे रहे हैं, आप स्मार्ट डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो वही बातें हैं। अच्छा लिखा है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज मल्टी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हाई, हायर, केवी एंड नवोदय विद्यालय, आईएससी, आईएम्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इंक्लूसिव एंड मॉडर्न। तो इंक्लूसिव सबके लिए, जेंडर इंक्लूसिव, स्पेशली एबल्ड इंक्लूसिव, एंड देन गवर्नमेंट, नेशन, वर्ल्ड का जो विजन है वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए। तो जेंडर टॉयलेट, ब्लैक बोर्ड, टीचर स्टूडेंट रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कास्ट इंक्लूसिव, तो डिजिटल इंटरवेंशन ने इन चीज़ों को एड्रेस किया, कैसे किया, दीक्षा पोर्टल, NEP 2020, एनटीए की बात की, नेशनल करिकुलम की बात की, स्वयं पोर्टल की बात की, पीएम श्री की बात की, तो ये सारा बताना है, से अच्छा है, लेकिन आप साथ में कोई एक ग्रास रूट, एक उत्तराखंड के किसी गांव का एग्जाम्पल या अंडमान निकोबार के किसी गांव का एग्जाम्पल, स्कूल का एग्जाम्पल, कैसे वहां तक सब कुछ पहुंच रहा है वो जरूर एक बताना जरूरी है। टीचर सेंटर पर्सनल टच, ये बात ठीक है, रोल ऑफ कोचिंग सेंटर्स, ठीक बात है, डिजिटल डिवाइड अमंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज दे आर अनेबल टू इम्पैक्ट द डिजिटल लिटरेसी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी आपने बात की, ठीक बात है, एजुकेशन सीन एज क्राइटेरिया फॉर गेटिंग मिड डे मील एंड नॉट स्किल्स बाई वनरेबल सेक्शन, दस बियॉन्ड डिजिटल इंटरवेंशन सोशल इंटरवेंशन इज नीडेड, आपने बताया आंगनवाड़ी, डिजिटल मित्रास, प्रोफेसर ऑफ IIT, NSS, स्कॉलरशिप। तो बस क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसे जो आपने जो आपका वो था क्या कहते हैं उसको, डिजिटल जो इंटरवेंशन है वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे, तो यही तक हमें लेना है, उसको इवेल्युएट करना है। तो उसने किया है, जहाँ पर आप नहीं जा पाए तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, उसके बाद आपकी बातचीत हो सकती है, कनेक्टिविटी हो सकती है, मतलब वो एंगल हमें ज़्यादा लेके आना चाहिए था, रादर देन यू नो ब्रिंगिंग ऑल द एलिमेंट्स। इन्यूमरेटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द एल्डरलीज इन इंडिया, डिस्कस वेज फॉर मेन स्ट्रीमिंग द पैराडाइम्स फॉर जेरियाटिक केयर, यानी आपको बताना है कि वृद्ध अवस्था में कैसे हो सकता है, चैलेंज बताइए,
और वेज बताइए। तो NFHS 5 सर्वे, एल्डरली पॉपुलेशन ठीक बात है, चलिए। सोशल सिक्योरिटी ठीक बात है, चैलेंज फेस्ड बाय एल्डरलीज, हेल्थ केयर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ, अरे ऊपर से खड़ा रहना पड़ता है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, उन सबको कौन देखेगा, और लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, लैक ऑफ एल्डर इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड लीडिंग टू डिजिटल अपार्थाइड। ओके, जैसे अभी एक्स सर्विसमैन के लिए ई सेहत शुरू किया गया कि उनको पॉलीक्लिनिक विजिट ना करना पड़े, वो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनका उनका जो कार्ड है उससे डायरेक्ट विजिट बुक हो जाएगी। दस टू इम्पार्ट देम जेरियाटिक केयर, मेन स्ट्रीमिंग इज नीडेड, सोशल सिक्योरिटी बिल जस्ट लाइक PWD Act 2016, इंक्लूजन ऑफ ओल्ड एज इन PMJ फॉर इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम लाइक UPS इवन इन प्राइवेट सेक्टर, फोकस ऑन केयर इकोनॉमी, क्रेच फैसिलिटी, गुड आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, सोशल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, वो भी आप लेके आइए उसमें। तो ठीक बात है, आंसर की डिमांड ही ऐसे है, तो वरना उनकी वो बात हो रही है कि एक्चुअली में वो चीज़ें पॉसिबल हैं कि नहीं। डेलिब्रेशन इन पार्लियामेंट, अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज, कम्युनिटी रेडियो, ठीक है ना, और उसके बाद आपने बताया लास्ट में जेनेटिक केयर, डिजिटल लिटरेसी, केयर इकोनॉमी। तो आई थिंक ठीक है, आप थोड़ा सा थक रहे हैं लेकिन आंसर फिर भी ट्रैक पे चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। इंडिया हैज ए प्राइड प्लेस अमंग द कमिटी ऑफ नेशंस विद स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल इन एरिना ऑफ सॉफ्ट पावर, आइडेंटिफाई की एट्रीब्यूट, असेस द एक्सटेंट टू विच इट हैज बीन लीवरेज्ड। देखो ये बोल रहा, पता भी होना चाहिए और इंडिया फॉरेन पॉलिसी को कैसे फायदा हुआ या क्या हुआ। हार्ड पावर विदाउट सॉफ्ट पावर, विदाउट अथॉरिटी आपने बताया, विदाउट सॉफ्ट पावर इज पावर विदाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी तो वो भी है लेकिन वो दूसरे टाइप से। लेजिटिमाइजेशन ऑफ हेजेमोनी विल अकर व्हेन सॉफ्ट पावर इज बैकिंग इन ऑल फॉर्म्स। हॉलीवुड मूवीज का आपने बात किया, यूएसए इन्वेजन, इंडिया का केस में आपने शुरुआत ही आपने यूएसए की, तो आप इंडिया से ही करते वैसे तो ठीक है। हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन टाइज, फूड ट्रेडिशन, हेरिटेज, फूड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को, ठीक बात है। उसके बाद डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, लॉन्गेस्ट इनेबलिंग इंडिया टू टेक प्रिंसिपल स्टैंड, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्ट, फूड डिप्लोमेसी, बॉलीवुड, इंटरनेशनल योगा डे, अरे लिटरेचर भी है हमारा। और उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट, चलो आपने बताया, तो आप साथ में बताते कैसे हमारे गिर मिटियाज, कैसे हमारे PIO, कैसे हमारा कैसे हमारे सिंगर्स जाते हैं कंसर्ट करते हैं, दिलजीत दसांझ जैसे लोग हैं, कैसे हमारे सुनिधि चौहान जैसे हैं, हमारे क्लासिकल म्यूजिक है, हमारा यूनाइटेड नेशन में क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल सिंगिंग भी जाता है। सॉफ्ट पावर नीड्स इंस्टीट्यूशनल प्रोएक्टिवनेस बाय ICCR, उसके बाद आपने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नीड टू हाईलाइट सॉफ्ट पावर एज ए मेजर डायमेंशन, मूव बियॉन्ड फूड योगा म्यूजिक, हम बढ़ रहे हैं, साइबर AI IPR हमारा हो रहा है, ऐसा नहीं है, IT हमारा खुद में एक सॉफ्ट पावर है, हमें कहना चाहिए। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, इंगेजिंग विद डायस्पोरा बियॉन्ड प्रवासी भारतीय अवार्ड, कैडर ऑफ डिप्लोमैट ओनली इन सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमैट, ITS ऑफिसर बियॉन्ड द ट्रेड, ठीक, गुड एग्जाम्पल, वेरी मतलब बोल्ड एग्जाम्पल मैं कहूँगा। लेकिन सॉफ्ट पावर से हमें इसने पूछा भी है कि हमें फायदा क्या हुआ है, वो तो आप नहीं नहीं बता पाए कि कितना फायदा हुआ। क्वेश्चन वॉज आस्किंग दैट हाउ SS की कितना एक्सटेंट तक सॉफ्ट पावर ने हमें मदद भी की है। तो आंसर थोड़ा सा कलेक्टेड था, आंसर थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, लेकिन हम वो कर नहीं पाए, लेकिन हमने कोशिश पूरी की, तो इंडिया को फायदा हो रहा है और पहले भी हो रहा था। इंडिया का बहुत ब्रॉड है, इंडिया का बेसिकली सॉफ्ट पावर की वजह से इंडिया के रास्ते कभी बंद नहीं हुए हैं। इंडिया की जो इमेज है, इंडिया का जो काम करने का तरीका है, वो चाहे चाइना के साथ भी हो, हम कभी बैड लाइट में अथॉरिटी